हाय, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, नवरात्रि को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं हूँ आपके साथ लीसा गंगवानी, ग्लिट्स बस पर जो लेकर आ गई हूँ एक बढ़िया सी खबर। चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए और खबर सुनने के लिए मेरे साथ आ जाइए। बता दूं आपको कि आज आने वाले हैं अर्जुन रिजलानी, करण पटेल, साथ ही आने वाली है नेहा भसीन और निकी तंबोली भी संडे के वार के एपिसोड के लिए। लेकिन आप सभी लोग सोच रहे होंगे कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। नेहा भसीन का क्वाइट क्लियर होगा बिकॉज शी वॉज विद प्रतीक सहजपाल इन बिग बॉस ओटीटी और वो काफी अच्छी क्लोज फ्रेंड बन गई थी प्रतीक की। एक निकी तंबोली भी यहाँ पर प्रतीक सहजपाल का ही साथ देती हुई नजर आ रही है। दैट इज ऑल्सो क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि हम लोगों ने देखा था निकी की नजदीकियां विद प्रतीक सहजपाल, उन्होंने तो लिपलॉक कर लिया था प्रतीक के साथ, तो यहाँ पर सपोर्ट तो करना बनता है। लेकिन करण पटेल और अर्जुन बिजलानी इस बार सपोर्ट में खड़े हुए हैं जय भानुशाली के, जी हाँ, प्रतीक के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं पैनल डिस्कशन भी प्रतीक पर हो रहा है, सो दिस मेक्स अस थिंक कि क्या सच में प्रतीक जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं। नेगेटिवली या पॉजिटिवली कुछ भी हो, बदनाम होकर भी उनका ही नाम हो रहा है, एक बात तो यहां पर श्योर है। जहां पर करण पटेल और अर्जुन बिजलानी जो है क्लियरली प्रतीक के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रतीक गेम ही है पोक करना, और निकी कह रही है अगर वो उनका गेम है तो भाई वो दिख रहे हैं, उन्हीं की वजह से शो चल रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। जिसके बाद अगर अगर कुछ भी हो रहा है तो वो प्रतीक की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन इतना भी बोल देते हैं अगर उनका गेम ये है पोक करना है तो फिर उनको गालियां भी सुननी पड़ेगी। ये गाली वाली बात वहां पर हो रही है जहां जय भानुशाली ने प्रतीक सहजपाल को गाली दे दी थी। इसके अलावा करण पटेल और अर्जुन बिजलानी जो वो प्रतीक सहजपाल का पूरा सीन था जहां पर वो बाथरूम की कुंडी तोड़ देते हैं, लाश को तोड़ देते हैं, तो उसको भी वो शेमफुल कहते हुए नजर आए हैं। बट निकी तंबोली सेज कि इट इज हाउ द शो वर्क्स, आपको कुछ भी करना पड़ता है घर के अंदर। तो भाई यहां पर साफ साफ पैनलिस्ट जो है बटे हुए नजर आ रहे हैं टू वर्सेस टू में, जिसके लिए आप सभी लोग किसका साथ देने वाले हैं लिखे कमेंट सेक्शन में। ग्लिट्स बस को कीजिए सब्सक्राइब, मेरे साथ जुड़े रहिए, कई सारी खबरें लगातार ऐसे बातचीत करते हुए आप तक पहुंचाती रहूंगी।